बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 1928 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,38,265। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1928 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,265 हो गई है। बिहार में फिलहाल 17,998 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। पटना के बीएमपी कैंप में कांस्टेबल महिला और पुरुष ने खुद को गोली मारी, अफरा तफरी मची। पटना के बिहार मिलिट्री पुलिस बीएमपी कैंप में एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना से कैंपस में अफरा तफरी मच गई। आरजेडी के टिकट पर दानापुर से लड़ेगी चुनाव तेज प्रताप की साली करिश्मा। राजद प्रमुख लालू यादव के बड़े पुत्र व विधायक तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय दानापुर से चुनाव लड़ेगी। लालू परिवार और समधी चंद्रिका राय के कुनवे के बीच तलखी किसी से छिपी नहीं है। चंद्रिका राय राजद छोड़कर अब जदयू में शामिल हो चुके हैं। परसा विधानसभा सीट पर चंद्रिका को मात देने के लिए तेजस्वी यादव ने उनकी ही भतीजी करिश्मा राय को राजद में शामिल कराया था। करिश्मा पहले परसा को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से वह दानापुर में सक्रिय हो गई है। दो दिनों से जनसंपर्क अभियान चला रही है। करिश्मा ने कहा कि पार्टी का जहां से आदेश होगा वहीं से वह लड़ेगी। पार्टी के सीएम फेस के साथ पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, दिए संकेत वो कौन होगा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा के साथ चुनाव लड़ेगी। यह चेहरा वे खुद होंगे या कोई और, इस ओर भी उन्होंने स्पष्ट इशारा कर दिया है। भागलपुर के अस्पताल में 3 सितम्बर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू। भागलपुर के सदर अस्पताल में 3 सितंबर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि ऑपरेशन की सारी व्यवस्था की गई है। पहले से डॉक्टर भी विभाग में पदस्थापित हैं। मरीजों को ऑपरेशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अभी केवल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। भागलपुर के विक्रमशिला और अंग एक्सप्रेस चलने के लिए तैयार, बस एक फैक्ट का है इंतजार। भागलपुर में 5 महीने से बंद ट्रेनें जल्द ही पटरी पर दिखेगी। रेलवे ने अनलॉक 3 में ट्रेन चलाने की कवायद तेज कर दी है। पहले फेज में विक्रमशिला एक्सप्रेस और अंग एक्सप्रेस चलेगी। इसके लिए रेल मंडल ने जंक्शन कर्मियों को तैयार रहने का निर्देश दिया है। महीनों से यार्ड में खड़ी दोनों ट्रेनों का मेंटेनेंस पूरी तरह कर दिया गया है। रेल आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 3 से 4 दिनों के अंदर भागलपुर से जल्द ट्रेनें चलेंगी। रेलवे जोन को सिर्फ एक फैक्स और मेल का इंतजार है। भागलपुर में डॉक्टर समेत 126 कोरोना मरीज, आउटडोर सदर अस्पताल का रहेगा बंद। भागलपुर के सदर अस्पताल के डॉक्टर जिला परिषद के कर्मचारी महमदाबाद में पिता पुत्र और पुत्री सहित जिले में 126 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सदर अस्पताल के डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने से अस्पताल का आउटडोर मंगलवार को बंद रहेगा। डीएम को हुआ कोरोना, एक और अफसर की रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक और जिलाधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एक डॉक्टर और अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। सीटों के बंटवारे में अटकी जीतन राम मांझी की नैया मनाने में जुटे नीतीश कुमार। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अब खुद जदयू अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनाने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी का एनडीए में शामिल होने का निर्णय सीटों के बंटवारे के चक्कर में अटका है। सूत्रों ने बताया है कि मांझी लोजपा के कोटे की 2 सीट मांग रहे हैं, जिस पर अनिर्णय की स्थिति है। हालांकि नीतीश कुमार उन्हें 9 सीट
देने को राजी हो गए हैं। सीटों की बात सुलझते ही मांझी एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि मांझी ने पहले 30 अगस्त फिर 2 सितंबर को प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी थी। जेईई मेन जारी, परीक्षार्थियों के लिए चलाई जा रही अंतर जिला ट्रेनें व बसें, जानिए गाइडलाइंस। देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा नीट और जेईई सितंबर में आयोजित हो रहे हैं। जेईई मेंस आज 1 सितंबर से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगा, तो नीट 13 सितंबर को शुरू होगा। बिहार में जेईई और नीट के लिए सरकार अंतर जिला विशेष बसें और ट्रेनें चला रही है। नीट की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तथा दूसरी पाली की परीक्षा 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। मंगलवार की बात करें तो पहली पाली की परीक्षा हो चुकी है। पीएम मोदी ने दिया भारतीयता को बढ़ावा, देशी उद्योग को मिल रहा सहयोग। मुजफ्फरपुर के भाजयुग्म पाड़ू विधानसभा की सोमवार को वर्चुअल बैठक हुई। राष्ट्रीय मंत्री भारतेंदु कुमार ने कहा कि मोदी सरकार में भारतीयता को बढ़ावा मिला है, चीनी उत्पाद का बहिष्कार कर भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिलाने में सहयोग करें, कृषि संबंधित उद्योग को पाड़ू में बढ़ावा मिले, यह पहल होनी चाहिए। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्य को मोर्चा के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाने का काम करें, हर बूथ रहे मजबूत का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। 5 वर्ष बाद सपना होगा साकार, अस्पताल चालू होने के दिखने लगे आसार। 2014 में हुआ था उद्घाटन। सुपौल के निर्मली अनुमंडलीय अस्पताल चालू होने का सपना अब साकार होता दिख रहा है। अस्पताल के भवन मरम्मति एवं बिजली वायरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। हालांकि अस्पताल के परिसर में गड्ढे वाले स्थल पर मिट्टी भराई का कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ए ग्रेड नर्स एवं डॉक्टरों की नियुक्ति भी अनुमंडलीय अस्पताल में की जा चुकी है। विभागीय आदेश मिलते ही अनुमंडलीय अस्पताल को चालू करा दिया जाएगा।